पक्ष नहीं लिया है। सवाल रखा है कि आप इसको देखिए और आप खुद सोचिए कि वो वीर थे, उनका बलिदान वर्थ इट था या कि नहीं। बहुत बड़ी हमारी एक स्वतंत्रता संग्राम की कहानी रही है जिसमें एक पक्ष को बिल्कुल मिटा दिया गया है इतिहास से। इट्स अबाउट टाइम ही गॉट हिज ड्यू। आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेज उनको कितना डेंजरस मानते थे, उनकी पूरी जिंदगी 53 साल की जिंदगी जो पूरी इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से जब अवार्ड मिलता है तो वैलिडेशन है। जी, और कल आपको अवार्ड भी मिला जी, कितना ऑनर फील करते हैं आप? देखिए, सावरकर जी का जो जो पूरी उनकी कहानी है उसका अध्ययन करने के बाद जो मैंने उनकी जिंदगी जीने की और पर्दे पे दर्शाने की कोशिश की है उसके अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत हो गई है। और जब वो लोग जो कि स्वतंत्र वीर सावरकर जी को जानते थे, उनकी फैमिली और जो उनसे जिनकी जैसे मंगेशकर फैमिली हुई, जो उनको असली में जानते थे और जो उनकी एसेंस समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे जब एक पैट ऑन द बैक मिलता है कि आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शाया, बहुत सच्चाई से दर्शाया और बहुत दम से दर्शाया, तो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज वो वैलिडेशन बहुत ही कम लोगों को मिलती है। अक्सर आप जब बायोपिक्स वगैरह बनाते हैं तो उनके जो निजी लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, पर मैंने 3 घंटे में उनकी पूरी जिंदगी 53 साल की जिंदगी जो पूरी इनकैप्सुलेट करने की कोशिश की है, तो उनकी तरफ से जब अवार्ड मिलता है तो वैलिडेशन है। और ये यहाँ पे आज हम सेलुलर जेल में आए हैं जहाँ पे विनायक जी को 50 साल की उम्र कैद हुई थी, 2 उम्र कैद मिली थी। वो अकेले ही एक ऐसे कैदी थे या कॉन्विक्ट थे जिनको ऐसे अंग्रेजों ने दिया, तो आप समझ सकते हैं कि वो अंग्रेज उनको कितना डेंजरस मानते थे, क्योंकि वो ना ही सिर्फ उनके जो खुद किया और बाकी जब उनके जो इन्फ्लुएंसर का जो उनके थॉट्स थे वो बहुत लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस करते थे। तो जितने भी सशस्त्र क्रांति वाले लोग होते थे वो उनको देश से दूर आइसोलेशन में रखते थे। और ये वो जगह है, ये कैदियों ने ही बनाई थी। पहले कैदी वाइपर आइलैंड पे रहते थे, वहां से उनको यहाँ पे लेके आए और फिर उन्होंने ये जेल बनाई। और 1906 में मेरे ख्याल से ये जेल शुरू हुई थी और विनायक जी यहाँ पे 1911 में आए थे। और इसके पहले 7 विंग होते थे, अब सिर्फ 3 बचे हैं। 2 जापानीज ने अपने बंकर्स के लिए तोड़ दिए और जो 2 वहां पे जो उस वक्त गवर्नमेंट थी वो इस जेल को तोड़ना चाहती थी, वो तो यहाँ पे जो कैदी थे उनके बच्चे हर साल आते थे, तो उन्होंने इसको बिल्कुल इसका नामो निशान मिटने से बचाया। तो ये बहुत ही एक दर्दनाक जगह है। मैंने भी स्क्रिप्ट एक कमरे में बैठ के लिखी थी, पर जब मैं यहाँ पे आया तो मैं भी भौचक्का रह गया कि इसको कैसे मैं कैप्चर करूंगा, कैसे इसकी एसेंस दिखाऊंगा। तो मैं काफी समय यहाँ बिता के गया रेकी पे और फिर आके हमने यहाँ शूटिंग की। और बहुत ही दर्दनाक फेज है और भगवान करे किसी को भी इतनी पनिशमेंट ना मिले। और बाकी आपको अंदर बताते हैं। संदीप, मैंने मूवी देखी है जी, मैंने देखा कि कैसे उनको पनिशमेंट मिलती थी। तो जब आप एक कैरेक्टर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो कैरेक्टर आपके जहन में बस जाता है, आप जब उसके बाद किसी और प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है वीर सावरकर जी का एक किरदार, क्योंकि ना ही सिर्फ इसमें मैं एक एक्टर था, एक डायरेक्टर और राइटर भी था, को राइटर उत्कर्ष नेतनी वॉज माई को राइटर इन इट। तो हमने जब इसको लिखा, समझा, हमने उनको समझने की कोशिश की और जो भी उनके पॉइंट्स थे, जैसे बेल पिटिशन हुई, काला पानी हुआ, गांधी हत्या में जो उनका नाम आया था, हिंदुत्व, वो सारी चीजें मैंने कवर करने की कोशिश की। और मैंने सिर्फ सवाल रखा है, मैंने कोई पक्ष नहीं लिया है, सवाल रखा है कि आप इसको देखिए और आप खुद सोचिए कि वो वीर थे, उनका बलिदान वर्थ इट था या कि नहीं।
देखिए सब सब ने वही चीजें सुनी हुई हैं, वही बातें करते रहते हैं, माफी भी ये वो। अरे आप पिक्चर देखिए, उनके बारे में कुछ पढ़िए, कुछ अध्ययन कीजिए तो आपको समझ में आएगा। और उस वक्त जो परिस्थितियां थी, मैंने अपनी पिक्चर में यही दिखाने की कोशिश की है कि जो भी इंसान होता है वो अपनी परिस्थितियों का नतीजा होता है। तो उनकी जो परिस्थितियां थी, कैसे उनकी तरफ उनको एक हिंदुत्व का एक तरफ बढ़े, कैसे उनके ख्यालात बदलते गए, क्योंकि 1910 तक उनके ख्यालात कुछ और थे। यहाँ पे जब उन्होंने आए तो उन्होंने अपना साम दाम दंड भेद की नीति बदली और उसके बाद वो फिर एक अखंड भारत की तरफ जो उन्होंने उनकी पैरवी थी, जो उनको अलग उनको बोला जाता है कि टू नेशन थ्योरी उन्होंने दी थी, उन्होंने नहीं दी थी, वो सैयद अहमद खान साहब ने दी थी 1880s में। तो उसको लड़ते हुए कैसे वो अखंड भारत रखना चाहते थे, इसके लिए आप खुद आप पिक्चर देखिए और उसके अंदर मैंने जो सवाल उठाए हैं उनके बारे में आप सोचिए। और इट्स अबाउट टाइम ही गॉट हिज ड्यू। बिल्कुल, देखिए वोकनेस से भी यही होता है, जो पहले आप जोक कर सकते थे वो आज आप कर नहीं सकते हैं। तो जमाना बदलता रहता है और किसी भी हस्ती को उसकी आज की परिस्थिति से नहीं देखा जा सकता। उस वक्त जो परिस्थितियां थी उसमें उनका क्या रिएक्शन था और उनका क्या काम था, बहुत बड़ी हमारी एक स्वतंत्रता संग्राम की कहानी रही है जिसमें एक पक्ष को बिल्कुल मिटा दिया गया है इतिहास से। तो वही मेरा इसमें एक कोशिश थी। देखिए मैंने अपनी पिक्चर जो मुझे रिसर्च में मेरे को सच्चाई दिखी, मैंने उसको दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आप 3 घंटे में पूरी जिंदगी नहीं बता सकते हैं तो उसके अंदर कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज आपको लेनी पड़ी। पर मैंने बहुत ही फैक्चुअल रिसर्च करके ये बनाई है। अब लोगों को अगर वो सुनना ही नहीं है और आंख मूंद के उसको नकारना ही है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैंने कुछ सवाल उठाए हैं और वो सवाल उठने चाहिए। और इतने सालों के बाद जो उनकी इमेज को मलाइन किया जा रहा है और उनको आज भी कितनी गंदी गंदी बातें बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं जो एक आधा घंटा भी इस जेल में नहीं रह सकते, तो मैं तो उन पे हंसता हूँ। देखना चाहिए यहाँ पे क्या हुआ है।